चलो देखो देखो यहाँ पे बना हुआ एक एरे, सबको दिख रहा होगा एक एरे है ना, और इसको मैंने प्रिंट किया पॉप। पॉप में क्या होता है, लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होता है, ठीक है। पॉप में क्या होगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना ये डिलीट होता है। और पुश में क्या होता है, पुश में हम लास्ट में ही एलिमेंट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पुश में क्या होता है, लास्ट में ही एलिमेंट ऐड होता है। देखो तो दिख रहा था सबको यहाँ पे कि मोहित था डिलीट हो गया। पॉप में क्या होता है, लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होता है, और पुश में क्या होता है, लास्ट में ही ऐड होता है। नोट कर लो इसको। नोट कर लो पॉप और पोस। नोट कर लें पॉप पोस। पॉप में लास्ट वाला एलिमेंट रीड होगा और पोस्ट में लास्ट में ही ऐड होगा। नोट हो गया, नोट हुआ आप लोगों का। फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है और अनशिफ्ट में फर्स्ट में वैल्यू ऐड होगी। देखो देख पा रहे हो, विकास था यहाँ पर डिलीट हो गया फर्स्ट में और पीएन फोर से ऐड हो गया। शिफ्ट में क्या होता है, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा और फर्स्ट में ही ऐड होगा। पॉप में क्या होता है, लास्ट वाले में डिलीट और लास्ट में ही ऐड। क्लियर, शिफ्ट पॉप क्लियर हुआ। एक बना लो फाइल कॉनकेट नाम से, कॉनकेट और ज्वाइन, ठीक है ना। कॉनकेट में इन दोनों को जोड़ लेते हैं और ज्वाइन में जो भी बीच में आप देना चाहो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया ये बीच में, देखो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए, एरे बनाया, डॉक्यूमेंट राइट किया। अब इंक्लूड्स का काम क्या होता है, ढूंढना इस एरे में जाके। मैंने कहा अमन 1 2 3 ढूंढो, अगर मिल जाता है तो ट्रू होगा और नहीं मिलेगा तो फॉल्स होगा। तो अभी देखो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो फॉल्स आ रहा है, देखो ओके उसके अंदर नहीं है। समझ आ रहा है ना इंक्लूड्स का मतलब, अगर अमन होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा। समझ आ रहा है सबको, इंक्लूड्स ट्रू फॉल्स वाला काम करता है अमन जी, इंक्लूड्स ट्रू या फॉल्स। नोट कर लो इंक्लूड्स वाली फाइल को, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। देखो
यहाँ पे बनाया मैंने एक एरे, आपको यहाँ पे एक एरे दिख रहा होगा, उसके अंदर खूब सारा डेटा दिख रहा होगा। देखो यहाँ मैंने इस एरे को प्रिंट कर लिया सिंपल सा। अब मैंने लगाया इंडेक्स ऑफ, अब मैंने कहा कि अमन ढूंढना है, क्या करना है, अमन को ढूंढो, मगर ढूंढना कहाँ से, इंडेक्स फोर से। ठीक है, अब इंडेक्स फोर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेगा। तो कहाँ पे मिल गया उसको, फैब पे मिल गया। ये वाला अमन नहीं ढूंढेगा क्योंकि मैंने बोला कहाँ से, इसको फोर से ढूंढना स्टार्ट करना है। तो ये इसको कहाँ मिल गया, अमन फाइव पे मिल गया। ओपन इन ब्राउजर, देखो आ रहा है फाइव लिख के। ठीक है, अब एक होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट होता है। इसमें मैंने क्या कहा कि रोहित ढूंढना है कहाँ पे, लास्ट वाला रोहित ढूंढना है। अब देखो रोहित ये वाला भी है, रोहित ये वाला भी है, तो कौन सा ढूंढेगा, वो लास्ट वाला, क्योंकि तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो सबसे लास्ट में होगा उसी को ही वो ढूंढेगा। ठीक है, मैंने सेव किया, ब्राउजर पे रन किया, देखो आ रहा है 18, है ना, क्योंकि तो 18 पे है, गिनो 0, 1, 2, 3 करके। इंडेक्स ऑफ फिर से समझा रहा हूँ, अमन ढूंढना है कहाँ से ढूंढना है, इंडेक्स फोर के बाद से। तो जीरो, अगर मैं लिख देता कि टू से ढूंढो तो 0, 1, 2 मिल जाता है 3 पे, तो आउटपुट क्या आएगा, 3 आउटपुट आएगा, देखो है 3। और लास्ट में कहाँ ढूंढेगा, ये लास्ट में जो दिया होगा उसमें। ठीक है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ नोट कर लो इसको सब लोग, इंडेक्स ऑफ और लास्ट। अब देखो स्लाइस सब लोग यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे एक एरे ले रखा है। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और पीछे से चलता है -1, -2, -3 से। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे जो प्रिंट कर दिया मैंने इसको, मैंने लिखा स्लाइस, सबको दिख रहा होगा स्लाइस। अब मैंने कहा इसको 0 से स्टार्ट, जो होता है स्टार्ट पॉइंट और एक जो होता है एंड पॉइंट। ठीक है, तो मैंने कहा 0 से स्टार्ट करना है और इंडेक्स 5 तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो आउटपुट क्या देगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आउटपुट देगा ये, है ना। अगर मैं इसको रन करती हूँ ब्राउजर पे, भी देखो ब्राउजर पे गया, ओपन ब्राउजर किया, देखो अब देखो इसने कहाँ तक प्रिंट किया, सब देखो 0, 1, 2, 3, 4 तक किया सारे लोग, लास्ट वाला छोड़ दिया इसने। तो स्लैश में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के चलता है, वो नल लेके चलता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 0 से 3 तक, तो सिर्फ वो कहाँ तक प्रिंट करेगा, 0, 1 और 2 तक प्रिंट करेगा बस, कि लास्ट वाली वैल्यू छोड़ के चलता है। देखो नल लेके, देखो कहाँ तक प्रिंट किया, 0, 1, 2 तक किया सब लोग स्लाइस में। अब अगर मैं लिखता यहाँ पे कि 2 से स्टार्ट करो, ठीक है, और 5 तक जाना है, 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2 रात से स्टार्ट होगा और करंट तक जाएगा। तो सारे लोग समझा रहा है स्लाइस, समझ आ रही ना, समझ आ रहा है कि नहीं, शांत से हो एकदम स्लाइस, है ना। अब इसमें देखो दूसरे वाले में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये देखो अब ये कैसे चलेगा उल्टा। अब चलो इसका तो आउटपुट क्या आएगा, अगर आपको समझ में आया तो, ये पीछे से काउंट होगा -1, -2, -3, -4 चलो बताओ इसमें आउटपुट क्या आएगा, अगर आपको समझ में आया तो बताएं, अगर चीजें क्लियर हुई है तो बताओ क्या देगा आउटपुट में, वो क्लियर कर नहीं देगा, अच्छा ऐसे चलेगा -1। देखो ये होता है मोहित स्टार्ट पॉइंट है, -1 एंड वाला। ठीक है, तो -4 यहां से स्टार्ट होगा ना, देखो पीछे से कैसे चलता है, -1, -2, -3, -4 तो जो -4 ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, फिर -3 पे जाएगा, फिर -2 पे जाएगा, फिर -1। अब -1 तो प्रिंट होगा नहीं, है ना, क्योंकि लास्ट वाले वैल्यू छोड़ के चलता है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, मोहित से लेके डीडी तक आएगा ना,
देखो पा रहा है साइलोग, इस साइड क्यों जाएगा वो? -4 जी जी स्टार्ट पॉइंट होता है और ये एंड पॉइंट होता है स्लाइस में, ठीक है ना? बात समझ आई? स्लाइस समझ आ रहा है अर्जुन? यस यस, समझ में आ रही चीजें? चलो नोट करो, नोट कर लो इसको सब लोग। देखो ये एरे लगा हुआ है, एरे ये फिल्टर नाम है, फिल्टर नाम का मेथड है, और ये इसमें ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है? अब बताओ इसका क्या आउटपुट आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? अब देख कितना आपको फंक्शन एरे आया, बताओ। फिल्टर बताएं क्या आउटपुट आएगा? कुछ आईडी मिला? देखो कौन तारा है आउटपुट? बताए भाई आउटपुट कोई? अभी एरे पढ़ लिए, फिल्टर देखो, फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर कर देगा ना। ये क्या लिखा देगा यहाँ पर? एज बड़ी या इक्वल है 20 से, इसमें चेक करेगा वो तो। नहीं आउटपुट समझ में आया? आउटपुट क्या आएगा इसमें? आउटपुट बताएगा कोई? फिल्टर, ये फिल्टर क्या कर रहा होगा? यहाँ क्या लिखा देखो, ये एज में, एज बड़ी है इक्वल है 20 से, किस में चेक करेगा वो एज? इसमें तो फिल्टर होगा ना। अब फिल्टर में आउटपुट क्या क्या आएंगे? जैसे आप शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट पे, शॉपिंग करते हो अमेजन फ्लिपकार्ट पे, अगर मैं यहाँ फिल्टर लगा दूँ कि 200 से लेके 500 तक के बीच में दिखाओ, तो 200 के 200 से 500 के बीच में जो भी वो दिखाएगा ना, वो फिल्टर ही तो होता है। चलो वही तो यहाँ लगाए फिल्टर जी, है ना? अब मैंने क्या बोला, एज बड़ी है 20 से, हो है कि नहीं है? तो इसमें बड़ी है ना, देखो 20 है, 40, 50 है। अगर रन करूँ तो आउटपुट देखो, आउटपुट आ रहा है आपके सामने। बाकी लोग समझ आ रहा कि नहीं आ रहा जी? लेट लिखा मैंने यहाँ पे, चेंज कर देता हूँ। देखो ये एरे बना हुआ है, ये एरे प्रिंट हो रहा है, फिर आप लिखा एज डॉट फिल्टर। अब इस फिल्टर में अपन क्या कर रहे हैं? ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और साथ में क्या जा रही होगी? वैल्यू, ठीक है ना? अब हमने रिटर्न रिटर्न क्या किया यहाँ पे सब लोग? रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या एज बड़ी है इक्वल है 20 से, तो वो यहां पे आएगा, ठीक है? अब जाके चेक करेगा इसमें से, इसमें चेक करेगा बड़ी इक्वल है कि नहीं है। सही लोग, बड़ी है ना से 20, 40, 50, तो बी में स्टोर कर देगा, उस बी को यहां प्रिंट कर देगा। बोलो समझ आ रहा है? अच्छा आप चलो बताओ, अगर मैं यहां पे कुछ और लिख दूं तो, यहां पे कुछ और लिख दूं तो, कुछ अंतर आएगा? लो यहां पे चेंज कर देता हूं, आइटम कर दिया, ठीक है? अब तो शायद तुम्हें समझ आ रहा हो, कुछ
कुछ डिफरेंस आएगा इससे करने से कुछ? तो चलो, तो अब आप बताओ ये कैसे काम कर रहा होगा, कौन बताएगा बैच में? बताओ कैसे काम कर रहा होगा ये? ठीक है, ये है फिर। हाँ ठीक है, सही है। बाकी लोग को नहीं समझ आया ये? फंक्शंस पढ़े हो ना आप लोग अभी? एरे पढ़े थे है ना? अब तो इसलिए मैंने कोड सिंपल कर दिया यहाँ से। अच्छा, अगर मैं ये हटा दूँ तो अब बाकी लोग चलेगा अभी प्रोग्राम? चलेगा नहीं पार्ट? समझ में आ रहा है? नोट कर लो, राधिका समझ में आया, मनीषा, कुणाल, तीनों लोग, और सोनाली, सलोनी जी कैसे काम कर रहा है? ठीक है, गौरव, आशुतोष, आर्यन, चलो इसको नोट करो। क्योंकि देखो, जब हम छोटे छोटे कोड समझ पाएंगे ना, तभी आप बड़े बड़े कोडों पे काम कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया? अगर मैं ये कर देता 20, देखो टू है ना, उसी वाले जो बना नोट किया ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर लो, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना। एवरी में, एवरी में क्या होने चाहिए? सारे होने चाहिए है ना, एक से काउंट। फाइंड सब नोट कर लो,